नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बना रहे हैं कुछ चटपटी सी और स्वादिष्ट आलू पोहा टिक्की। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटी सी, खाने में मज़ा आ जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कप पोहा लिया है और उसको मैंने केवल धोया है, भिगोया नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि मैंने केवल धोया है। अब देखिए, मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। बस मैंने इसको धो के और एक साइड रख दिया, 5 मिनट के लिए रख देना एक साइड। इधर हम बना लेते हैं अपना मिक्सचर जो कचौड़ी में डलेगा अंदर। 1 टेबलस्पून ऑयल है और एक प्याज लिया है मैंने बड़े साइज का, बारीक चॉप करके। फ्लेम को लो रखिएगा। हमने प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए क्योंकि हमने ये कचौड़ियों में भरना है। आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, और आधा छोटा चम्मच है अजवाइन। स्किप कर सकते हैं पसंद ना हो तो। और ये डाला है मैंने अमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून। थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगेगा, इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और ये है 3 टेबलस्पून मूंगफली, जो भुनी हुई मूंगफली है उनको मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया। कच्ची हो तो कच्ची भी डाल सकते हैं, कच्ची भी अच्छी लगेगी, पर मैंने भुनी हुई डाली है। और ये है हरा धनिया और 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ बारीक काट कर। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो हरी मिर्च को स्किप कर देना, नहीं तो मुंह जल जाएगा बेचारे बच्चों का। और ये डाला है मैंने आलू, 3 पीस आलू हैं, बॉयल करके ग्रेट करके डाले हैं, कच्चे आलू नहीं हैं ये। बॉयल्ड आलू को ग्रेट करके फिर डाला है, ग्रेट इसलिए किया ताकि अच्छी तरह से मिल जाए मसाले में। फ्लेम बिल्कुल लो है, अच्छी तरह से जब सारे मसाले मिल जाएंगे, आलू मिल जाएंगे, तो हम गैस को कर देंगे बंद। मसाले मिल चुके हैं, अब गैस कर देते हैं बंद, इसको होने देते हैं ठंडा। अब ये पोहा है हमारा, 5 मिनट हो चुके हैं इसको, तो पोहा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है, तो पोहे को हम थोड़ा मसल लेंगे पहले। और मसलने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून के आसपास डालेंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालना, कम मत डालना, क्योंकि अभी हमने आटा भी ऐड करना है। और 1 कटोरी डालेंगे आटा, 1 कटोरी हमने पोहा लिया था और 1 कटोरी ही आटा, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। पोहा ना हो तो आप आटे से भी बना सकते हो इसको, सूजी से बना सकते हो, पर पोहा जो है इसमें डालना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर हो तो डाल लेना, क्योंकि इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी आपकी जो कचौड़ियाँ हैं, उनका जो क्रिस्प है वो बहुत अच्छा आएगा। अभी देखिए अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसको, बेलना नहीं है बेलन से, हम हाथ से ही इसको शेप देंगे। हाँ, इसमें जब आप डो बनाओगे तो थोड़ा सा नमक डाल लेना। नमक मुझे याद नहीं रहा, स्किप हो गया मेरे से, पर आप जब डो बनाओगे तो थोड़ा नमक भी डाल लेना इसमें। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी जो कचौड़ियाँ हैं वो बनाकर रख लेंगे। दड़दड़ी सी लग रही है ना देखने में, बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये। डो में नमक जरूर डालना, 2 बार मैंने बोला है, भूलना मत। मैं भूल गई थी, आप मत भूलना। अब ये जो ऑयल है वो हल्का गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है इसका। अब हम जो कचौड़ियाँ हैं वो डाल देंगे। पहले मैंने 2 ही डाली हैं, तो लो मीडियम फ्लेम पर हम कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। जितनी धीरे धीरे ये सिकेंगी पकेंगी उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो देखिए ये कलर आ जाए तो आपको 5-6 मिनट लगेंगे, क्योंकि फ्लेम हमने लो मीडियम ही रखनी है। तो हम कचौड़ियाँ निकाल लेंगे, ये वाला गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। और इसी तरह से हम अपने बाकी जो कचौड़ियाँ हैं, अब देख रहे हो आप टेम्परेचर कितना कम है, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, तो काफ़ी क्रिस्पी सी बनेंगी। अब देखो तोड़ के दिखा रही हूँ,
गर्म है काफ़ी, फिर भी चलो तोड़ने की कोशिश करती हूँ। हाथों में लग रहा है मेरे, गर्म है ये, ये देखिए हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, पर इनका क्रिस्प है ना, खाते रह जाओगे, बहुत टेस्टी लगेंगे आपको, एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो पोहे की कचौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा।